मोहन तुमसे प्यार नहीं करता, वो प्यार का झूठा ड्रामा कर रहा है, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है और पता नहीं क्या क्या। वो मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ। हे भगवान, मैं इस लड़के का क्या करूँ? क्या करूँ, जो दिल में होता है वो बोल देता हूँ बिना सोचे समझे। प्लीज बता दीजिए ऐसी कौन सी बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आस्था और मेरे बीच कोई तनाव आए। प्लीज पापा जी, वहाँ आस्था मुझे कुछ नहीं बता रही है कि वो क्यों उदास रहती है, यहाँ आप मुझे कुछ नहीं बता रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है, आज आज प्लीज बता दीजिए मुझे। एक्चुअली तो आस्था ने हमें कसम दी है कि हम ये बात किसी से भी डिस्कस ना करें, लेकिन बेटा आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी कहूं उससे पहले तुम्हें हमसे वादा करना होगा कि सारी बात जानने के बाद, सारी सच्चाई हकीकत जानने के बाद, तुम मेरी बेटी को समझने की कोशिश करोगे। वादा। इतना सब कुछ आस्था की आंखों के सामने हुआ तो वो परेशान तो रहेगी। अब समझ में आया पापा जी की आस्था उदास क्यों रहती है। खैर कोई बात नहीं पापा जी, अब वो पहले से काफी नॉर्मल हो गई और इस बात का मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि वो आगे दुखी नहीं रहेगी। लेकिन अब वो पुरानी जिंदगी भुलाकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। बड़ा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। दादी जी एक बात कहूं, तुसी आज भी मैनू बुढ़े नहीं लगते। अरे घूर क्या रहे हो, तारीफ ही कर रहा हूं। बुढ़ी कहकर कौन सी तारीफ होती है जरा बताइए मुझे। अरे तो मैंने ऐसे थोड़ी कहा कि बुढ़ी लगती हो। हाँ तो ये भी तो कह सकते थे ना कि डॉली जी आप बड़ी जवान दिखती हो। मेरे कहने से हो जाते क्या जवान? बल्लू जी आप ना मेरी तारीफ करना ही बंद कर दीजिए, खुश तो रहूंगी मैं। अरे मैं मजाक कर रहा सी, इतने साल मेरे साथ गुजारने के बाद भी मैंने पहचाना नहीं। चलाक औरत और शातिर मर्द को कोई पहचान नहीं पाता, समझे बल्लू जी? मैं भी धोखा खा गई। ओए होए डायलॉग बाजी, इससे पहले तो आपके मुंह से कभी ऐसे डायलॉग नहीं सुने। वो क्या है ना कि शातिर मर्द के साथ रहते रहते डॉली चलाक बन ही गई। ओ एक और डायलॉग, आज भंग तो नहीं चढ़ा ली। सीवीना जी एक गल दसो मैनू। हाँ? आपको नहीं लगता अपनी आस्था पुत्र के चेहरे पर कभी सच्ची हंसी नहीं दिखती? वो हंसती तो है पर उसकी हंसी में दर्द शामिल है। मुझे लगता है हमें खुश रखने के लिए वो खुश रहने का नाटक कर रही है।
वो अपने करण के साथ खुश तो है ना? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि करण जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसी से करवा देते। उस बिचारी के साथ पता नहीं अंदर ही अंदर कैसा सुलूक कर रहा होगा। नहीं डॉली जी, मेरा फैसला बिल्कुल सही है। आस्था पुत्र में हमारी खानदान की बहू बनने के सारे गुण हैं, बल्कि हमने जैसी सोची थी उससे बढ़कर है आस्था। पर करण को ये बात समझनी चाहिए ना, वाहे गुरु ना करे अगर उन दोनों के बीच कुछ ऐसी वैसी बात हो तो। तुम चिंता ना करो डॉली जी, वाहे गुरु ने चाहा तो सब ठीक होगा। ओए रब दी मर्जी दे आगे किसी दी नहीं चलदी। सो जाओ तुसी। अरे आप आ गए? आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। खा के आए? क्या हुआ? खा के आया हूँ। आप मेरे घर गए थे ना मम्मी पापा को इनवाइट करने, क्या हुआ? सिर्फ तुम्हारे पापा मिले, तुम्हारी मम्मी कहीं बाहर गई। अरे आज तो उल्टा ही हो गया, वरना हमेशा मम्मी घर पे होती है और पापा बाहर, और आज आप घर गए तो मम्मी बाहर थी और पापा घर पे। वाहेगुरु जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। वो यही चाहता था कि मेरी आंखें खुल जाए। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ आस्था, ये बाद में पूछना। पहले ये बताओ कि तुमने आज तक मुझसे क्या क्या छुपाया है। आप साफ साफ बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सच सुनना चाहता हूँ तुम्हारे मुंह से। पर मैंने आपसे झूठ कब कहा? मैं ये नहीं कह रहा आस्था कि तुमने मुझसे झूठ कहा है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है आप कहना क्या चाहते हैं। आस्था पति हूं मैं तुम्हारा। आखिर कब तक अपने अतीत की सच्चाई छुपाती रहोगी मुझसे आस्था? अरे एक बार बोल के तो देखा होता। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना गैर हो गया कि तुमने अपने और आसमान के बारे में मुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा? तुम अगर ये बात मुझे पहले ही बता देती तो क्या बिगाड़ लेता मैं तुम्हारा? बोलो आस्था क्या बिगाड़ लेता? हमारे बीच अगर कोई रिश्ता नहीं बनता आस्था तो कम से कम एक विश्वास का रिश्ता तो बनी जाता। छोड़ो तुम क्या समझोगी इन बातों को, अब इन बातों में रखा ही क्या है। जाओ जाओ अंदर सो जाओ। सॉरी आस्था, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आपसे। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। नहीं आस्था, गलती मेरी भी है। जब मैं तुम्हारे पापा से बात करके आया था तो मुझे आराम से और शांति से बात करनी चाहिए था, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था। नहीं करण, आपकी गलती नहीं। अगर मैंने पहले ही आपको सब कुछ सच सच बता दिया होता
ये नौबत नहीं आती। देखो आस्था, मैं तुमसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि अपने अतीत को भूलने की कोशिश करो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए इतना भयानक अतीत भुलाना आसान नहीं है, मगर मेरा यकीन करो आस्था, इसे भूलना इतना मुश्किल भी नहीं। आज से हम पति पत्नी का रिश्ता भूलकर एक अच्छे दोस्त का रिश्ता बनाएंगे, और जैसे दो दोस्तों के बीच कोई बात छुपी नहीं होती, वैसे ही हमारा रिश्ता भी एकदम ट्रांसपेरेंट रहे। हो सकता है इससे हमारे रिश्ते को नया मोड़ मिले या नया नाम, या जिस रिश्ते में हम सिर्फ नाम के लिए बंधे हैं उसमें एक नई गांठ बन जाए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Aastha, happy birthday to you. Many, many happy returns of the day. Thank you so much. फूल पसंद आए? बहुत। वो मुझे पता नहीं है ना कि तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए जो समझ में आया वो ले आया। दिल से अगर काटे भी दो तो उनमें भी प्यार नजर आ जाता है, फिर ये तो फूल है। क्या है आस्था? फूल? इसमें तो काटे भी हैं आस्था। That's great. बर्थडे गर्ल को फूल पसंद आए। मैं तो इस बात से सरप्राइज हूँ कि आप सुबह सुबह उठ के मेरे लिए फूल लेके आए। परेशान हो गए होंगे, क्या जरूरत थी अपनी नींद खराब करने की? हेलो, मैंने अपनी कोई नींद खराब नहीं की है, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं सुबह उठ के जाऊँ तुम्हारे लिए। वो तो बस अपना दिमाग यूज किया। मतलब? उठा, गार्डन में गया, फूल तोड़े और ये बना के ले आया। वाओ, ये हमारे गार्डन के फूल है। I can't believe this. मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे गार्डन में इतने प्यारे फूल खिलते हैं। तभी तो कहता हूँ, जीना सीखो, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलो। दुनिया बहुत हसीन है आस्था, बस देखने की नजर चाहिए। लेकिन मैंने आपसे थोड़ा वक्त मांगा है ना, मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना आस्था। यू नो व्हाट, मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें अपनी प्रॉब्लम या सिचुएशन से निकलने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अगर उसे दिमाग से निकाल दो तो ओवर, और अगर उसे दिमाग में रखे रखो तो वो बार जिंदगी में जहर बन जाता है। प्रॉब्लम्स क्या नूडल्स की तरह होते हैं, जो 2 मिनट में खत्म हो जाए? मैं नहीं मानती। मत मानो, पर मैं मानता हूं और मैंने इंप्लीमेंट भी किया। एक बार मेरी लाइफ में भी एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे लेकर मैं हर वक्त परेशान रहता था। फिर मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर प्रॉब्लम को बहुत दूर से देखो ना, वो एक छोटे से कंकर की तरह दिखाई देती है, और अगर उसी प्रॉब्लम को पास लाकर देखो वो एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। इसलिए मैंने भी अपनी प्रॉब्लम को अपने आप से दूर कर दिया। पता है क्या हुआ, मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैंने कभी उस प्रॉब्लम को फेस भी किया था, और कब उस प्रॉब्लम से बाहर आ गया पता भी नहीं चला। उस दिन से एक बात तो समझ आ गई कि किताबों में कुछ बातें सही लिखी होती हैं। आप कह रहे हैं तो सही होगा, पर ये सब इतना आसान नहीं है।
है, उस बारे में सोचना छोड़ दो। जब सोचना ही बंद कर दोगे तो बात अपने आप दिमाग से निकल जाएगी। दिमाग से तो निकल जाएगी, लेकिन अगर दिल से ना निकल पाई तो? आस्था, दिल और दिमाग का रिश्ता सिक्के के दो पहलू की तरह होता है, एक दूसरे से जुदा होकर भी एक साथ ही रहते हैं। चलिए, आपकी ये बात मैं याद रखूंगी, पर सबसे ज्यादा ये याद रखूंगी कि जो इंसान अपनी नींद से इतना प्यार करता है, सुबह मेरे लिए उठा, गार्डन में गया और अपने हाथों से मेरे लिए बुके बनाकर लेके आया। वाह, इतनी जल्दी भूल गई कि कल रात को हमने क्या डिसाइड किया था कि कल से हम अच्छे दोस्त बन के रहे। पर अभी अभी तो दोस्ती हुई है, इतना स्पेशल ट्रीट करने की क्या जरूरत थी? ये कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं आज। स्पेशल तो तब होता जब मैं इस पूरे कमरे को फूलों से भर देता। एनीवेज, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू आस्था। थैंक यू। डॉली जी, डॉली जी, अरे असी तो तैयार शहर होके बैठ गए। आस्था पुत्र कहाँ है? लो जी आ गई आस्था। हैप्पी बर्थडे पुत्र, लख लख बधाइयां। थैंक यू पापा जी। अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू मम्मी जी। बेटा तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिले, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते। सारी विशेस आप ही दे देंगे कि मेरे लिए भी कुछ बचा के रखेंगे? जी ठीक है डॉली जी, इससे आगे आप टेक ओवर करो। बस मेरी तो यही दुआ है कि अगले बर्थडे तक हम दादा दादी बन जाएं। ओए ओए, ये हुआ ना मौके पे चौका। डॉली जी, फिर से आज साडा दिल जीत लेता तुसे। भाभी भाभी भाभी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। क्या बात है, आज बड़ी जच रही हो। भाई बर्थडे गर्ल है, जचना तो है ही। ये बिल्कुल सही कहा मम्मी जी। अच्छा बेटा, तो ये बात मतलब आप दोनों सास बहू एक हो गई हो? तो क्या मैं कोई अकेली नहीं हूँ? पापा जी आप हो ना मेरे साथ 100%। ये लो जी, आ गए हमारे लेट लतीफ शहजादे। भाई तो अभी तो तैयार ही हो रहा है, आज बर्थडे आस्था का, सबने विश किया, तुमने किया कि नहीं? हा? इसे तो याद भी नहीं होगा। इन्होंने तो सुबह ही। सॉरी आस्था। हैप्पी बर्थडे। अरे यार बहुत ड्राई है मेरा बेटा। अरे कम से कम एक फूल तो ले आता, पत्नी है तेरी। डैड, इतनी सुबह फूल कहाँ से लाऊंगा? लगता है तेरी ट्यूशन लगानी पड़ेगी यार, तब तेरी कुछ समझ में आएगा, नहीं तो तेरा कुछ नहीं होना। पुत्र, कभी कभी बल्लू जी ना बिल्कुल सही बोलते हैं। डॉली जी, याद है उन दिनों हम आपका बर्थडे कैसे मनाते थे? हा? ओ जी रहने दो। ओ ना जी, करण को पता चलना चाहिए। पता है उन दिनों इनके बर्थडे पर सुबह सुबह एक रोज लेकर खड़ा हो जाता था मैं, इनके लिए चाय बनाता था, फिर हम लोग नए नए कपड़े पाकर गुरुद्वारे जाते थे, मत्था टेक के फिर हमारी मस्ती शुरू हो जाती थी, एक मूवी देखते, रोटी बाहर खाते और फिर शाम को कुछ लोग घर पे आ जाते पार्टी के लिए, और जैसे ही पार्टी खत्म होती मैं और डॉली जी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। ऐसे मनता था हमारी इकलौती बीवी का बर्थडे। सच में बोलूं आप मेरे उस दिन को ना बिल्कुल स्पेशल बना देते थे। जी मैं तो छुट्टी ले लूं। ऐसी और बहुत सी स्टोरीज है मेरे पास, एक बार पता है क्या होगा? बल्लू जी बस, अभी इतनी स्टोरी सुनते बैठेंगे तो काम कैसे होगा? सब लोगों के पास इतना काम बाकी है। डॉक्टर जी, वो
पुराने दिन याद करके दिल रोमांटिक हो जाता है। पता है मेरा मन क्या करता है? आपका बर्थडे कल ही मनाऊं। मतलब जैसे हम पहले मनाते थे वैसे। अरे ये देखकर कम से कम हमारा पुत्र कुछ तो सीख पाएगा। ओ जी, उसने आप ही सीख लेना है। ठीक है जी, आप कहते तो चंगा है। मॉम मैं चलता हूँ। ओ आज कह दे तू नहीं आ रहा, घर पे रहे हमारे साथ, आस्था को अच्छा लगेगा। डैड काम भी इम्पोर्टेंट, मैं वापस आके आप लोगों को ज्वाइन करूँ। चल ठीक है, जो तेरी मर्जी, पर टाइम पे घर आ जाना, ऐसा ना हो आस्था केक काट रही हो और तू ही ना हो। ठीक है जी, आ जाऊंगा। सेल्फी लेते अभी, सेल्फी। हाँ पापा बोलिए। बड़ा विश्यू मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच पापा। बेटा मैंने पहले भी फोन लगाया था लेकिन तुम्हारा फोन लगा नहीं, आई थिंक बंद था। हाँ पापा वो बैटरी लो थी और मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। फोन दीजिए, आप ही बात करते रहो। अरे हाँ एक मिनट। बेटा एक बात तो है, तुम्हारी ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा रही हो। थैंक यू पापा। फोन दीजिए ना। अरे हाँ मम्मी क्या कह रही है? खुशी बेटा तुमसे बात करने के लिए परेशान हो रही है, लो करो बात। दीजिए फोन। लो बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मामा। और सब ठीक है ना बेटा? जी। करण ऑफिस गए हैं? जी। उसने तुझे विश किया कि नहीं? हाँ सबसे पहले। चलो अच्छा है, तुम दोनों में प्यार बना रहे, और हमें क्या चाहिए? देख बेटा, प्यार ही है जो दो लोगों को आपस में बांध के रखता है, और जहाँ प्यार है ना वहाँ सारी खुशियाँ होती हैं। जी जी मॉम। अच्छा तेरे इन लॉज कहाँ हैं? मैं उन्हीं से बात कर रही थी, हम हॉल में बैठे थे, आपका फ़ोन आया तो आपसे बात करने चली आई। अच्छा ये बता तुझे गिफ्ट क्या चाहिए? मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हर बार कुछ ना कुछ देते हो, इस बार नहीं दोगे तो आपका प्यार कम नहीं हो जाएगा। मम्मी लगता है कोई आया है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, आप शाम को टाइम पे आ जाइएगा। अच्छा ठीक, हम लोग शाम को मिलते हैं ना। बाय मम्मी, लव यू। आस्था तुम्हारा फोन, देखो कौन है। निशा। हेलो आस्था, आई एम रियली वेरी सॉरी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया, मुझे तुम्हारा बर्थडे याद है। बट बात ये हो गई कि प्रतिष्ठा ने मुझे रात को फोन किया, उसने बताया कि रास्ते में मैं उसे भी साथ लेता चलता, बस इसलिए मैं उसकी वजह से लेट हुआ।